चीजें आपको अच्छे से समझ में है साथियों। साथियों कहते हैं ना कि अगर आपको लखपति करोड़पति बनना है तो वो आपके लिए सबसे पहला और लास्ट जो प्लेटफॉर्म है वो है फोर्सेज। क्यों? क्योंकि फोर्सेज किसी का नाम का मोहताज नहीं है। फोर्सेज का झंडा इतना ऊंचा लहर रहा है आसमान के अंदर कि फोर्सेज ने इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड 200 कंट्री के अंदर मात्र दो साल के दौरान इतने करोड़पति पैदा किए। मैं बात करूंगा ओनली लॉकडाउन के अंदर इतने करोड़पति पैदा किए हैं शायद मैं भी नहीं जानता हूं। लखपति तो अनलिमिटेड है साथियों। अभी 1000 लोगों के अंदर ऐसे कितने लखपति हैं, 1000 लोगों के अंदर ऐसे कितने लखपति हैं, प्लीज हैंड रेज कीजिएगा और नए लोगों को दिखाइए कि यहाँ पे कितने ऐसे लखपति आए हैं फोर्सेज में जो पिछले 3 महीने 4 महीने 5 महीने से कर रहे हैं। नियर अबाउट कितने ऐसे लखपति हैं प्लीज हैंड रेज कीजिए सर जी। आप देख रहे हैं ये सभी लोग लखपति हैं जो फोर्सेज में 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना मेहनत करके लखपति बने हैं साथियों। ये मैं नहीं बोलता हूं ये साथियों लोगों का हिम्मत और काम करने का जज्बा बोलता है। तो आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप अगर आप यहाँ पर आए हो 40 या 50 मिनट समय निकाल करके, आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि पूरा ध्यान से समझिएगा और अपने साथ एक कॉपी और पेन का इस्तेमाल कर लीजिए। चाहे अगर कोई चीज अगर मिस रह गई हो तो आप उसको नोट कर लें अच्छे से ताकि हर एक चीज एक एक चीज अपने अपलाइन से आप गाइड कर सके। साथियों मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहला सवाल ये आता है हमारे और बीच में सभी के साथ में ये आता है भाई हम फोर्सेज क्यों करें, आखिरकार फोर्सेज हम क्यों करें, क्या बेस्ट है फोर्सेज में, क्या खास है फोर्सेज के अंदर जो कि दुनिया की सभी नेटवर्क इंडस्ट्री से सबसे अलग करती है, क्या खास है विशेष, उसके बारे में आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले बात यह आ जाता है साथियों फोर्सेज के अंदर मैंने 2 पार्ट का विवरण आपके सामने देता हूं, आप समझिएगा चीजों को कि 2 पार्ट क्या है। सबसे पहली बात यह आ जाती है, सबसे पहली बात साथियों अपने साथ आती है सेंट्रलाइज पार्ट, सेंटर लाइज ठीक है, और वर्सेस डिसेंट्रलाइज। समझिएगा चीजों को, एक एक चीज मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज चीजें क्या है, सन 1996 से लेके सन 2021 तक 22-23 सालों के इतिहास में शायद ऐसा कभी नहीं सुना होगा, शायद कभी नहीं देखा होगा। जो चीज आप आज सुनेंगे, जो चीज आप आज देखेंगे क्या है साथियों, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का मतलब एक एक चीज मैं आपको क्लियर करूंगा। साथियों जब भी कोई भी आप सिस्टम में काम करते हो या एंट्री करते हो नेटवर्क इंडस्ट्रीज के अंदर, तो वहां पर कोई ना कोई सेंट्रलाइज में साथियों कोई ना कोई कंपनी होती है, कोई ना कोई कंपनी होती है जिसको हम लोग लिख देते हैं यस। क्या सेंट्रलाइज के अंदर कोई कंपनी होती है, तो मैं वहां पे लिखूंगा यस सेंट्रलाइज के अंदर कोई कंपनी होती है। अगर डिसेंट्रलाइज की अगर बात करूं, डिसेंट्रलाइज की बात करूं तो साथियों यहां पर कोई कंपनी नहीं होती है, मतलब नो कंपनी, यहां पे कोई कंपनी नहीं होती है। साथियों अगर कंपनी ही नहीं है कोई यहां पे, तो क्या सबसे पहली बात सेंट्रलाइज के अंदर एमडी और सीएमडी होता है साथियों, यस एमडी सीएमडी होता है यस। लेकिन डिसेंट्रलाइज के अंदर कोई एमडी सीएमडी ही नहीं होता है साथियों, कोई भी एमडी सीएमडी नहीं, नो। अगर एमडी सीएमडी नहीं है साथियों तो यहां पर आपको क्या नहीं मिलेगा, यहां पर आपको सेंट्रलाइज के अंदर आपको एडमिन मिल जाएगा, यस एडमिन होता है इसके अंदर। लेकिन डिसेंट्रलाइज के अंदर आपको एडमिन नाम का वर्ड ही नहीं होता है, यहां पर आपका एडमिन ही नहीं होता है साथियों, नो यहां पे एडमिन ही नहीं होता है। एडमिन अगर नहीं है, अगर एडमिन नहीं है तो सबसे बड़ी बात सेंट्रलाइज के अंदर साथियों यहां पे एक आपको बैक ऑफिस मिलता है, ऑफिस होता है यहाँ के अंदर, लेकिन डिसेंट्रलाइज के अंदर कोई अपना पर्सनल ऑफिस ही नहीं है। मैं जो बातें लिख रहा हूँ साथियों अगर इन बातों को आप ध्यान से समझ गए, अच्छे से समझ गए, तो मैं गारंटी कहता हूं कि 50% सिस्टम आपने फोर्सेज का समझ लिया, ये सारी चीजें समझ लिया ठीक है। तो अभी ना इसका कोई एमडी सीएमडी, ना कोई एडमिन, ना कोई ऑफिस, सबसे पहली बात ये इसके अंदर साथियों कोई प्रोडक्ट भी आपको नहीं मिलेगा, कोई प्रोडक्ट भी नहीं है, नो प्रोडक्ट। अब जो खतरनाक वर्ड मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूं उस वर्ड को ध्यान से समझिएगा साथियों, डिसेंट्रलाइज के अंदर अपने कॉन्सेप्ट के अंदर फोर्सेज के अंदर आपको यहां पे कोई वेबसाइट नहीं मिलेगा, सबसे खतरनाक वर्ड है ये, यहां पे आपको कोई वेबसाइट ही नहीं मिलेगा। अब आपके मन के अंदर सवाल आ रहे होंगे कि बैंकों का भी वेबसाइट होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का वेबसाइट होता है, सर्वर होता है, लेकिन यहां पर विजय सर ने तो ये लिख दिया
यहाँ पे ना कोई कंपनी, ना कोई MD CMD, ना कोई एडमिन, ना ऑफिस, ना प्रोडक्ट, ना वेबसाइट। तो भाई है क्या चीज, ये चलता कैसे, ये है क्या चीज, ये चलता कैसे है? सबसे पहली बात मैं लिखूंगा साथियों, समझना ध्यान से, अगर आपने इन चार चीजों को समझ लिया, अगर आपने इन चार चीजों को समझ लिया, आप प्रोडक्ट बेस में अगर काम कर रहे हो, तो मुझे आप अच्छे से बताना, क्या आपका उद्देश्य है प्रोडक्ट खरीदना? आपकी सैलरी 15,000 है, 20,000 है, या 25,000 है, आपको प्रोडक्ट बेस के अंदर में एंट्री करते हो, तो हर महीने 2,000, 4,000, 5,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदते हो, क्या वो प्रोडक्ट का जरूरत होता है आपके घर में? नहीं होता है साथियों, लेकिन हम उस प्रोडक्ट का भवंडर खड़ा कर देते हैं, पहाड़ अपने घर में, जिन प्रोडक्ट का यूज नहीं होते, बस इसलिए कि शायद हमें भी 1,00,000 रुपए या 2,00,000 रुपए आएगा कब, लेकिन वो 1,00,000, 2,00,000 रुपए आने में शायद पता नहीं कि किसी ने 15 साल लगाए, किसी ने 10 साल लगाए, किसी ने 20 साल लगाए, किसी ने 4 साल लगाए, लेकिन अभी तक 2,00,000 रुपए का प्रति महीने का एवरेज नहीं बन पाया। मैं सबसे खतरनाक वर्ड की बात करूं, सुन के चौंक जाइएगा कि फोर्सेज का सबसे खतरनाक वर्ड क्या है। अगर आपने 100 लोगों को ज्वाइन कराया ना, नेटवर्क इंडस्ट्रीज में जाकर देख लीजिएगा, मैं 22 सालों के इतिहास की बात करता हूं, नेटवर्क इंडस्ट्रीज में 22 सालों के इतिहास के अंदर अगर आपने 100 लोगों को ज्वाइन कराया, 100 में से 5 लोग आपको वर्किंग करने वाले मिलेंगे, 95 नॉन वर्किंग वाले मिलेंगे, 95 नहीं काम करने वाले मिलेंगे, उनको आप मीटिंग सुनाओ, जितना मर्जी मोटिव करो, वो 95 नहीं काम करेंगे। उन्होंने 1,000, 2,000, 4,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा, लेकिन वो 95 लोग नहीं काम करेंगे। लेकिन फोर्सेज ऐसा इकलौता सिस्टम है, सिस्टम यहाँ पर ही वही है, 100 लोग आप यहाँ पर भी ज्वाइन कराते हैं तो 100 में से 5 लोग ही काम करने वाले मिलते हैं, लेकिन वो जो 95 लोग है साथियों, आपके काम करने से उन 95 लोगों को पैसा जाता है। 95 लोग ये नहीं बोलेगा आपको कि सर मुझे पेमेंट नहीं मिला, सर मुझे कुछ इनकम नहीं हुआ, आपको ये नहीं बोलेगा कोई 95 का 95 लोग। अब मुझे आप ये बताइए कि आदमी कहां सक्सेस होगा, प्रोडक्ट बेस के अंदर सक्सेस होगा या आपके फोर्सेज के अंदर सक्सेस होगा? जो आदमी काम नहीं करना चाहता था, वो 95 के काम ना करने की वजह से भी आपके काम करने से उनको पैसा गया, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि वो 95 लोग काम नहीं करेंगे? 100% काम करेंगे, 100% टीम बनाएंगे साथियों। यही कारण है कि अभी जितने लोगों ने हैंड रेस किया, यही कारण है कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर ये लोग लखपति बने। ज्वाइन तो इन्होंने भी 4 या 5 लोगों को ही करवाया था, लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत और सर्विस की वजह से उन 95 लोगों को वर्किंग इनकम दिलाई, उनका जो पैसा लगा हुआ था उसके पैसे को डबल ट्रिपल या 4 गुना दिलाया। कोई सिंगल आदमी ये नहीं बोल सकता कि सर आपने काम किया तो मुझे इनकम नहीं आया। ये है साथियों फोर्सेज का पावर। अब फोर्सेज का पावर क्या है, अभी मैं बीच में लाइन छोड़ दिया था कि अगर ये चीजें नहीं है फोर्सेज के अंदर, सॉरी ये चीजें कम ना कंपनी नहीं है, कोई एमडी सीएमडी नहीं है, कोई एडमिन नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं है, तो ये चल कैसे रहा है, मैं आपको इसके बारे में क्लियर करूंगा कि फोर्सेज चल कैसे रहा है। चीजों को समझिएगा, एक एक चीज मैं आज आपको ओपनली खोल के बता रहा हूं और अच्छे से बता भी रहा हूं ताकि हर एक लीडर के माइंड में ये चला जाए कि फोर्सेज एरी गैरी वेरी कंपनी नहीं है, जहां पर आपने 2 महीने लगाए तो आपको 2 महीने के अंदर 2,00,000 रुपए का इनकम नहीं हो पाएगा, होगा साथियों, लेकिन आप फोर्सेज को मिट्टी समझते हो, हीरा समझते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप फोर्सेज को कैसे समझते हो। साथियों सबसे बड़ी बात ये होता है ना, सबसे बड़ी बात कि आप मार्केट में 1,000 रुपए का बिजनेस करो, 1,00,000 रुपए का बिजनेस करो, आप एमडी सीएमडी के खाते में पैसा जमा कर देते हो, लेकिन फोर्सेज के अंदर, सबसे विशेष बात क्या है, नंबर वन में 100% पे आउट मिलता है आपको। आप 1,000 रुपए का बिजनेस करते हो, आप 1,00,000 रुपए का बिजनेस करते हो, 100% पेमेंट आपके पास जाता है, कोई एमडी सीएमडी कंपनी के खाते में, किसी के बैंक अकाउंट में पैसा नहीं जाता है साथियों, हमेशा ध्यान रखिएगा, 1 रुपया भी नहीं जाएगा, 100% या तो आपको मिलेगा या किसको मिलेगा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, समझ लीजिए सारी चीजों को, ये पैसा 100% या तो सेल्फ आपके आपको मिलता है, या आपके अपलाइन को मिलता है, या आपके डाउनलाइन को मिलता है, या आपके क्रॉस लाइन को मिलता है साथियों, चारों को चारों, आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपका अपलाइन काम कर रहा है तो आपको 100% इनकम जाएगा, आपका अपलाइन का टीम काम कर रहा है तो आपको 100% इनकम जाएगा, आप काम कर रहे हो तो आपको 100% इनकम जाएगा, आपका डाउनलाइन काम कर रहा है तो आपको 100% इनकम जाएगा, आपका क्रॉस लाइन काम कर रहा है तो आपको 100% इनकम जाएगा। साथियों इस चीज के लिए आपको 40-50 मिनट ध्यान से समझना पड़ेगा चीजों को कि 100% पेमेंट हमें मिलेगा कैसे,
तभी सार्थक होगा आज आपका 40 मिनट दिया हुआ। अगर आपने इधर उधर ध्यान लगाया ना तो साथियों मैं वाकई बोलूंगा बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी को आप मिस करोगे, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी को मिस करोगे। तो साथियों 100% पेमेंट है, सारी चीजें हैं, तो इसका वेबसाइट नहीं है तो चलता किसके ऊपर है, ये चलता किसके ऊपर है मैं इसके बारे में क्लियर करूंगा साथियों, ये चलता है ब्लॉकचेन के ऊपर। ब्लॉकचेन के ऊपर, व्हाट इज ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन है क्या भाई? कई ऐसे लोग होंगे, गांव के लोग या शहर के लोग कई होंगे जिनको ब्लॉकचेन के बारे में नॉलेज नहीं होगा, जिनको तो आदत पड़ी होती है 10 साल 15 साल 4 साल गूगल के ऊपर कोड किए हुए सर्वर सर्वर के ऊपर काम करने के। आपको अच्छे से मालूम है कि जब जब गूगल के ऊपर कोई सर्वर बनाया जाता है उसको अपडेट की जाती है, उसमें चेंजिंग किया जाता है। लेकिन ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी, अगर मैं गांव की भाषा में बात करूं इसको हम लोग डिजिटल लेजर भी बोल सकते हैं। डिजिटल लेजर का मतलब ये कि आप जो भी लेन देन करते हो, दुनिया का हर एक आदमी, आपके अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस है, आपने कहां कहां कितना लेन देन किया, सब कुछ देख सकते हैं। ब्लॉकचेन चेन के अंदर जो भी चीजें कोड कर दी जाती है, जैसे गूगल के सर्वर के ऊपर आपका बैंक कोड किया हुआ है, बैंक का जो भी काम करने का तरीका वो गूगल के अंदर एक डोमेन ली हुई है, आपकी फैक्ट्री हो गई या कोई भी अमेजोन हो गई या कोई भी सिस्टम आप ले लीजिए, उन्होंने गूगल के अंदर एक सर्वर लिया हुआ है, ठीक है। सेम उसी प्रकार वहां पे चेंजिंग की जा सकती है क्योंकि वहां पर कंट्रोल किसी एमडी सीएमडी के हाथ में होता है, किसी इंजीनियर के हाथ में होता है। मैं यहाँ पे अगर क्लियर करूं तो बैंकें भी गूगल के अंदर चलाई जाती है, सर्वर के अंदर कोड की जाती है। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर अपने इंडिया में रोज आप देखते होंगे, जूम मीटिंग में आप आते हैं, काफी सारे आपको न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई जाती है, नरेंद्र मोदी की स्पीच भी सुनाई जाती है क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के बारे में, सीतारमन का रिपोर्ट भी दिखाया जाता है, A to Z। अगर नहीं पता है आप गूगल पर जाकर टाइप कीजिए व्हाट इज ब्लॉकचेन, या यूट्यूब के ऊपर जाकर चेक कर लीजिए ब्लॉकचेन है क्या, इसकी ताकत क्या है, सारा का सारा दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा कि ब्लॉकचेन है क्या चीज, तक आपको विश्वास हो जाएगा। मैं आपको फिर भी हल्के से आपको क्लियर कर दूं, मान लीजिए कि आपने 100 रुपए का ट्रांजेक्शन आपने मुझे भेजा, आपने 100 रुपए का ट्रांजेक्शन मुझे किया बैंक के अंदर, तो क्या होगा आपके और मेरे बीच में कौन आता है, बैंक आता है। मतलब आपका लेन देन और मेरा लेन देन का हिसाब किताब कौन देख रहा है, बैंक देख रहा है। बैंक की मर्जी है आपके अकाउंट को होल्ड भी कर सकता है, बैंक की मर्जी है आपके अकाउंट को बैन भी कर सकता है, लेकिन जो भी आप ब्लॉकचेन के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो यहाँ के अंदर सारा का सारा ट्रांजेक्शन 100% पीयर टू पीयर होगा साथियों, मतलब पर्सन टू पर्सन होगा, कोई थर्ड पार्टी नहीं होगी, कोई थर्ड पार्टी नहीं होगी ब्लॉकचेन के अंदर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो। यही पावर है कि फोर्थ एज ने अपना सारा का सारा बिजनेस फोर्थ एज ने बाइनेंस ब्लॉकचेन के अंदर डाल दिया। अब ब्लॉकचेन भी काफी प्रकार के हैं, चीजों को समझिएगा, आपको मैं एक एक चीज अच्छे से क्लियर करूंगा कि ब्लॉकचेन भी काफी प्रकार के यहां पर आ जाते हैं, जैसे कि आपका टीआरसी का ब्लॉकचेन, TRC20 का ब्लॉकचेन, BEP का ब्लॉकचेन, ठीक है, ERC का ब्लॉकचेन, इथेरियम ERC इथेरियम का ब्लॉकचेन, ठीक है, BTT का ब्लॉकचेन, ये सारे आपके ब्लॉकचेन हो गए साथियों। अब इस ब्लॉकचेन को यूज करने के लिए कुछ डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ डिजिटल का वॉलेट का इस्तेमाल करें, जैसे कि आप बैंक में जब भी कोई भी चीज लेन देन करते हो तो आप आसानी से गूगल पे या फोन पे का इस्तेमाल करते हो, सेम उसी प्रकार इस ब्लॉकचेन को रनिंग करवाने के लिए काफी सारे वॉलेट हैं, जैसे आपका ट्रस्ट वॉलेट है आपका, ये ब्लॉकचेन का वॉलेट है, ठीक है, मेटामास, फिर उसके बाद आ जाता है आपका क्लेवर, टोकन पॉकेट, ट्रोल लिंक प्रो, काफी सारे ये आपके वॉलेट है साथियों, ये आपको आसानी से प्ले स्टोर के ऊपर जाके मिल जाएगा, आप वहां पर से किसी भी जो भी ब्लॉकचेन के अंदर कोड की जाती है, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी आपका बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, ट्रोल हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मनी है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मनी को लेन देन करने के लिए हम लोग इन वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं साथियों। तो फोर्थ एज का जो भी सिस्टम है बाइनेंस के ब्लॉकचेन के अंदर है, बाइनेंस के ब्लॉकचेन BEP20, मतलब ये आपका हो गया BEP20 का फोर्थ एज का जो बिजनेस है, BEP20 के अंदर कोड किया गया, इसीलिए हम लोग तकरीबन या तो ट्रस्ट वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं इसको लेन देन करने के लिए, मेटामास्क का इस्तेमाल करते हैं या आपका टोकन पॉकेट का इस्तेमाल करते हैं, तीनों में से कोई भी एक वॉलेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रस्ट वॉलेट और टोकन पॉकेट आपका सिंपल फोन और आईफोन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं,
मेटामास्क आप कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं अपना लेन देन करने के लिए। इसके सर्वर के ऊपर, फोर फेज के सर्वर के ऊपर विड्रॉ मारने का सिस्टम नहीं है। इसका जो भी लेन देन है डायरेक्ट आपके वॉलेट के साथ, फोर फेज ने ट्रस्ट वॉलेट के साथ आपस में लिंक कर दिया है। जो भी पेमेंट आएगा आपके डायरेक्ट ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क या टोकन पॉकेट के अंदर आएगा। आप वहां से किसी भी क्रिप्टो के एक्सचेंज में जाके कैश करवा सकते हो। आप वजीरेक्स में एक्सचेंज करा सकते हो, बाइनेंस में एक्सचेंज करा सकते हो। मतलब अगर आप डॉलर को या क्रिप्टो करेंसी को रुपए में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो भारत सरकार ने कुछ एक्सचेंजर बनाए हैं, जैसे बाइनेंस है, वजीरेक्स है, क्वाइंस कुबेर है, जियोटस है। इन किसी भी एक्सचेंजर के ऊपर जाके आप केवाईसी करके आप रुपए में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके ऑफलाइन अच्छे से इन सभी चीजों के बारे में गाइड कर देंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ साथियों। फोर फेज का जो भी लेन देन है हम इसके तहत कर सकते हैं। अभी फोर फेज मार्केट में कब से काम कर रही है मैं आपको सारी चीजें एक एक चीज क्लियर करूंगा कि फोर फेज मार्केट में कब से काम कर रही है और क्या बेहतरीन प्रोजेक्ट है। ताकि फोर फेज 31 जनवरी 2020 से मार्केट में काम कर रही है और अभी तक 18 लाख लोगों की आईडी लग चुकी है फोर फेज के अंदर। 18 लाख लोगों की आईडी लग चुकी है। फोर फेज के तीन प्रोजेक्ट मार्केट में है अभी इस समय। सबसे पहला इथेरियम प्रोजेक्ट ईआरसी, दूसरा टीआरसी ट्रोन प्रोजेक्ट और तीसरा बीयूएसडी प्रोजेक्ट। साथियों BUSD आपका वेब 20 के ऊपर काम करता है, वेब 20 के ब्लॉकचेन के ऊपर। TRC आपका TRC 20 के ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है और ERC Ethereum के ब्लॉकचेन पे काम करता है। साथियों ये Ethereum और Tron आपका वर्चुअल करेंसी है जिसका रेट हमेशा घटता बढ़ता रहता है। यही कारण है कि Ethereum के अंदर अभी फिलहाल आईडी नहीं लग रही, क्योंकि एक Ethereum की वैल्यू 4 लाख रुपए की हो चुकी है साथियों और इसका गैस भी ज्यादा बढ़ रहा है। और Tron का भी रेट हमेशा कभी 2 रुपए तो कभी 14 रुपए कभी 10 रुपए होता है, लेकिन BUSD वेब 20 हमेशा आपका वर्चुअल करेंसी तो नहीं हम बोल सकते, इसको स्टेबल करेंसी बोल सकते हैं। मतलब जितना आपका $1 का वैल्यू रहेगा उतना ही आपका एक BUSD का वैल्यू रहेगा साथियों। एक BUSD मतलब आपका $1 का वैल्यू अगर 80 रुपए है तो आपका एक BUSD का वैल्यू भी 80 रुपए होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें एक एक चीज अच्छे से समझ में आ रही होंगी। मैं बिल्कुल खोल के आराम से बता रहा हूं। ठीक है, अभी अपना फोर फेज का जो प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूं, अपना BUSD डॉलर प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूं सर। BUSD डॉलर प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि हमारे और आपके बीच में 31 मई 2021 को 5 महीने पहले हमारे बीच में आई है और वर्क करना शुरू किया साथियों। और 31 मई से लेकर 5 महीने के दौरान आपने हैंडरेस देखा ना पहले कितने लोग लखपति बने हैं। बहुत सारे अभी सर आपको आईडी भी ओपन करके दिखाएंगे कि दो महीने में कितने लोग लखपति बने हैं, सारी कुछ क्लियर करेंगे साथियों। अभी उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी।